पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट करती है अपनी कैंडिडेट को, हु गेट द पार्टी सिंबल, उसको पार्टी सिंबल दिया जाता है, पूरा सपोर्ट दिया जाता है. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, यानी कि पार्टी नॉमिनेशन को क्या बोला जाता है, पार्टी टिकट भी बोला जाता है. एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, यानी कि जो भी पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता हैज टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म, उसको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ मनी उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में देनी होती है. अ न्यू सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक नया सिस्टम डिक्लेरेशन किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन, यानी कि कुछ लीगल डिक्लेरेशन करनी होती है इस कैंडिडेट को, गिविंग फुल डिटेल्स, यानी कि उसे अपनी पूरी फुल डिटेल देनी होती है. सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, अगर कोई उसके अगेंस्ट कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस उसके, वो उसको दिखाना होता है, बताना होता है. डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, यानी कि उसे अपनी डिटेल देनी होती है असेट्स की, संपत्ति की, जमीन जायदाद की एंड द लाइबिलिटीज, और जो भी उस पर लेनदारी है, ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑफ हिज और हर फैमिली एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और उसे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बतानी पड़ती है कैंडिडेट को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन कैंपेन. इन इलेक्शन कैंपेन पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन टू द बिगर इश्यूज. इन इलेक्शन कैंपेन द पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू अग्री फॉर अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. द कैंपेन टेक प्लेस फॉर अ टू वीक पीरियड, फॉर अ टू वीक पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग. आफ्टर दैट पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट्स, के बाद पोलिंग के बाद वोटिंग, वोट की काउंटिंग की जाती है. द फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज अ डे वेन द वोटर कास्ट और पोल देयर वोट. वट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी कि क्या चीजें इलेक्शन को इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक बनाती है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन इज इंडिपेंडेंट इन इंडिया. इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन विच एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशरी एंजॉयज, यानी कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन इज हैविंग अ पावर लाइक एज जुडिशरी, दैट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम. सो इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट, यानी कि कोई भी अगर कैंडिडेट कोई भी पार्टी के रूल्स को फॉलो नहीं करती है तो उसके खिलाफ ये कार्यवाही कर सकता है. ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस, यानी कि इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को कुछ रूल्स कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोलता है. टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज गवर्नमेंट पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू इलेक्शन और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि वो ट्रांसफर भी कर देता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ऑफिसर्स का ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, जिससे कि किसी भी तरह की डर्टी ट्रिक्स का यूज ना हो. व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी, यानी कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो वर्क करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी इलेक्शन कमीशन, नॉट द गवर्नमेंट, ना कि गवर्नमेंट के. वे इलेक्शन ऑफिशियल्स कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वॉज नॉट फेयर इन सम बूथ्स, यानी कि अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये फील होता है इलेक्शन ऑफिशियल्स को कि जो पोलिंग है वो सही तरीके से नहीं हो रही है सम बूथ्स पर, या फिर इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दे ऑर्डर टू रिपोल, यानी कि वो दोबारा से उसे कंडक्ट करा सकते हैं. द चीफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. बट
वंस अपॉइंटेड, यानी कि अगर उसने एक बार अपॉइंट कर दिया सीईसी, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन इज नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट, यानी कि वो आंसरेबल नहीं होता ना तो प्रेसिडेंट के और ना ही गवर्नमेंट के. एवरी पोलिटिकल पार्टी एंड द कैंडिडेट गेट्स अ फेयर इक्वल चांस टू कम्पीट, यानी कि हर एक पोलिटिकल पार्टी को, कैंडिडेट को एक फेयर चांस मिलता है, इक्वल चांस मिलता है कंपीट करने का. अकॉर्डिंग टू आर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, यानी कोई भी पार्टी और कैंडिडेट ये नहीं कर सकता ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, यानी कि ब्राइब नहीं दे सकता वोटर्स को, ना ही उन्हें डरा धमका सकता है वोट के लिए. अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन, ना ही उनसे अपील कर सकता है कि कास्ट के नाम पर वोट दो, रिलीजन के नाम पर वोट दो. यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, ना ही वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यूज कर सकता है इलेक्शन कैंपेन के लिए. स्पेंड मोर देन 25 लाख इन कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर लोकसभा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपीज ही वो स्पेंड कर सकता है फॉर द लोकसभा इलेक्शन, और रुपीज 10 लाख इन द असेंबली इलेक्शन, और असेंबली इलेक्शन के लिए ओनली 10 लाख रुपीज ही वो स्पेंड कर सकता है. नाउ द एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, द रूलिंग पार्टी इज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है ज्यादातर इंडिया के अंदर वो लूज करती है इलेक्शन को, चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे स्टेट लेवल पर हो. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लूज इलेक्शन, यानी कि जो पहले एमएलएज रह चुके हैं, एमपी रह चुके हैं, मे बी वो नेक्स्ट टाइम पर, ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर वो चेंज होते रहते हैं. सो नाउ चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया, देर आर मेनी चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. The candidate and the parties with a lot of money may not be sure of their victory, but they do enjoy. यानी कि ये sure नहीं होता कि after the contesting the election they will definitely win. So big and unfair advantages over smaller parties and independence. In some parts of the country, candidates with criminal connections have been able to push others out of electoral race and secure ticket from the major parties. Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to the relatives from these families. I am giving the example of one party, that is Congress party. First of all, Indira Gandhi was in that place, she were contesting the election. After that, the Rajiv Gandhi, then Sonia Gandhi, then Rahul Gandhi. So like that, some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to their relatives, these families. Very often election offer better choice to ordinary citizen. For both the major parties are quite smaller to each other, both in policies and practice. Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to bigger parties. यानी कि जो smaller parties होती है and independent candidates होते हैं suffer a huge disadvantage. उसको इन्हें बहुत बहुत ज्यादा disadvantage होता है इसका compared to the big parties. Now all the topics are covered in this chapter. Have a nice day.